ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। मेरा नाम सनी है और ये कहानी है मेरी और मेरे दोस्त रोनी की। रोनी और मैं बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, मगर स्कूल के बाद हम अलग हो गए। लेकिन इत्तेफाक से हमें शहर में कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। शहर में जाकर रहने के लिए हम दोनों ने रेंट पर एक अपार्टमेंट खरीदा। हमने पूरा अपार्टमेंट बड़े अच्छे से सजाया, मगर फिर भी हमारे लिविंग रूम की एक दीवार बेहद खाली सी लग रही थी। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम यहां पर एक अच्छी सी और बड़ी सी पेंटिंग लगाएंगे। एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए रोनी ने एक बूढ़े आदमी को रास्ते पर कुछ पेंटिंग बेचते हुए देखा। उनमें से एक पेंटिंग उसे बेहद पसंद आई और वो उस पेंटिंग को घर ले आया। जब मैंने उस पेंटिंग को देखा तो मुझे वो पेंटिंग काफी अजीब सी लगी। उस पेंटिंग में दो छोटे बच्चों की तस्वीर बनी थी जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी तस्वीर सिर्फ लाल रंग से बनी हुई थी और इस पेंटिंग से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल किसी सड़ी हुई पुरानी लाश की तरह। जब मैंने रोनी से उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे यह पेंटिंग काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। इसका कलर कुछ अलग है, यह हमारे लिविंग रूम में बहुत अच्छी लगेगी। मुझे उसकी बात सही लगी और सच वो पेंटिंग हमारे लिविंग रूम में बहुत अच्छी लग रही थी। वो उस पेंटिंग की तरफ मुकर के खड़ी थी। उसके बाल लंबे थे, उसने एक लंबी सी लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका रंग खून से लाल हुआ हो। रोनी उसे देखकर डर गया, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट 7th फ्लोर पे था, इसलिए इस औरत का खिड़की के जरिए घर में आना इम्पॉसिबल था। और घर का दरवाजा बंद होने के बावजूद भी आखिर वो औरत घर में आई कैसे, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कौन हो तुम और हमारे घर के अंदर कैसे आई? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कौन हो तुम? पर किसी तरह से उसने वही पास वाले टेबल पर रखे हुए वास को अपने हाथ से गिराया और तभी उस आवाज से मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया मैंने उस खतरनाक मंजर को देखा। मैं रोनी की तरफ उसे उस औरत से छुड़ाने के लिए दौड़ा और उस औरत ने रोनी को छोड़ सीधा मेरा। तभी रोनी किचन की ओर भागा और वो अंदर से घासलेट और मैच बॉक्स लेकर आया। उसने उस पेंटिंग पर घासलेट डाला और जैसे ही वो मैच बॉक्स से आग लगाता उस औरत ने दोबारा से मुझे छोड़कर रोनी का घर। तभी रोनी जोर से चिल्लाया, सनी पेंटिंग चला दे। मैंने उसने जैसा कहा वैसा ही किया और उस पेंटिंग के जलते ही वो औरत भी जलने लगी। कुछ ही सेकंड में उस पेंटिंग के साथ वो औरत भी जलकर राख हो गई। रोनी और मैं पूरी रात नहीं सोए। अगली सुबह मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तब उसने कहा कि जब मैंने उस पेंटिंग को पहली बार देखा तो उसमें उन बच्चों के अलावा कोई और भी था, मगर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की है। और जब रोनी लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि वो औरत भी उस पेंटिंग को ही देखे जा रही थी और तब उस पेंटिंग में उन बच्चों के पीछे उस औरत की तस्वीर साफ नजर आ रही थी। इसलिए मुझे लगा कि ये दोनों जुड़े हुए होंगे, इस वजह से मैंने उस पेंटिंग को जलाना ही सही समझा। अगले दिन मैं और सनी उस बूढ़े आदमी के पास गए जिसने हमें रास्ते पर वो पेंटिंग बेची थी। जब हमने उसे पेंटिंग के बारे में पूछा तो वो बूढ़ा आदमी काफी डर गया और कहा कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, दरअसल वो पेंटिंग हमारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने बनाई थी जिसका पति कई साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और इसलिए उसने बड़े लाड प्यार से अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, मगर उसकी बदनसीबी
कि एक दिन स्कूल से घर आते वक्त उसने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों बच्चों को खो दिया। उस दिन के बाद से वो औरत पागल सी हो गई है। अपने बच्चों की याद में वो उनकी एक तस्वीर बनाने लगी, जिसके लिए उसने अपने ही शरीर को घायल करके अपने खून से उस पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया। वो हर रोज अपने बदन के किसी हिस्से को काटती और वहां से निकले खून से उस पेंटिंग में रंग भरती, और यही वजह थी कि उस पेंटिंग से एक अजीब सी बदबू आती। शरीर में खून की कमी से उस औरत की मौत हो गई, मगर उसका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसकी मौत के बारे में भी पड़ोसियों को उसकी मौत के एक महीने बाद पता चला, जब आसपास के इलाके में उसकी लाश की बदबू आने लगी। एक दिन जब उस घर के असली मालिक ने वो घर खाली किया, तो वही खूनी पेंटिंग उसने रस्ते पर फेंक दी। उस बूढ़े आदमी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, वो भी बड़ी मुश्किल से रस्ते पर अपनी पेंटिंग्स बेचकर अपना गुजारा करता था, इसलिए जब उसे वो पेंटिंग दिखी, उसने सोचा कि इससे थोड़े बहुत पैसे और कमा लेगा। पहले तो उसने उस तस्वीर से किसी तरह से उस औरत का चेहरा हटाया और उसे थोड़ा बहुत पॉलिश करके बेचने के लिए लेकर आ गया। उसकी बात सुनकर मुझे और रोनी को उस औरत के लिए काफी बुरा लगा, मगर एक तरफ हम बेहद खुश भी हुए कि उस रात के हादसे के बाद हम लोग अभी भी जिंदा थे। उस दिन के बाद से हमने दोबारा कोई भी पेंटिंग न खरीदने का फैसला किया, मगर आज भी उस औरत का वो डरावना सा चेहरा हमें हमारे सपने में आकर डराता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @skulltales।